हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपको मोल्ड मेकिंग प्रोसेस बताएंगे पूरा कि मोल्ड मेकिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमें ये MDF का एक टुकड़ा लेना है, जिस भी साइज के अपने को टेबल बनानी है। ये सनबोर्ड शीट लेनी है, ये स्टेपल पिन, ये स्टेपल की पिन है, ये टेप लेनी है और ये सिलिकॉन गन लेनी है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी रिक्वायरमेंट से ये जो प्रोसेस है इसको पूरा करेंगे। तो इसको आप पूरा प्रोसेस समझने के लिए वीडियो में जुड़े रहें। तो अभी हम आपको जो मोल्ड मेकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट आपको सिखाएंगे। तो हमने ये MDF का जो है पीस लिया हुआ है, सबसे पहले अभी इसको हम टेपिंग करेंगे। इसको पूरा कवर करना है टेप से। ये आप कोई भी नॉर्मल टेप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप येलो कलर का ही टेप लें। ट्रांसपेरेंट टेप भी आता है, ब्राउन टेप भी आता है, जो आपको अवेलेबिलिटी हो वो आप ले सकते हैं। को ऐसे लगाना है, ये मैंने कटर से कटिंग की, इसको पूरे को कवर करना है। सेम इसी प्रोसेस से हम इसको कंप्लीट कवर अप करेंगे। इसी प्रोसेस से आप कितनी भी बड़ी टेबल है उसको सेम प्रोसेस से आप मोल्ड बना सकते हैं। जिस साइज का आपको टेबल बनाना है उसी साइज का आपको MDF लेना है। ये जो MDF होता है ये रीयूजेबल है, तो आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं दूसरी टेबल के लिए। ये लीजिए, ये पूरा प्रोसेस, इसको हमने पूरे को कवर कर दिया है। को कवर करने के बाद हम जो ये साइड में टेप है इसको फोल्ड कर देंगे। ये लीजिए, ये जो पूरा है ये फोल्ड हो गया। ओके, ये प्रोसेस करने के बाद हमें जो ये वाली शीट होती है सनबोर्ड शीट, इस पे टेप लगानी है एक साइड से। टेप लगाया हमने इसको पूरा और ये कटिंग किया यहाँ से। सेम हमने इसी के साइज का एक सनबोर्ड शीट लेना है और उसको कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए केवल इसको टच करना है, टच करने के बाद ये कटिंग हो जाता है। और इसको भी हम टेप लगाएंगे सेम प्रोसेस से। ये हमने किया और हमने इसको पूरे को टेप लगा दिया। ये टेप लगाया हमने, अब हम स्टेपल की हेल्प से इसको इस पे स्टिक करेंगे। स्टेपल करेंगे इसको ऐसे लगा के, ये साइड में फोल्ड करना है इसको। अब हम इसको स्टेपल करेंगे ऐसे पूरे को। ये हमने यहाँ पे पिन लगाई है, उसके बाद हम इसको ये पूरे पे पिन लगा देंगे। ये
सेकेंड साइड की जो है सनबोर्ड सी, हम इसको भी सेम ही प्रोसेस से स्टेपल करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हम इस साइज़ की सनबोर्ड सीट जो है वो कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें मेज़रमेंट लेना है। हम सनबोर्ड सीट को ऐसे लगा के उसका हमने मेज़रमेंट ले लिया है। ये हमने मार्किंग की है, इससे उस मार्किंग से हम इसको ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक होगी और सेम साइड हम दूसरी तरफ का भी ले लेंगे इसी से। ये लीजिए, ये हमारे पास दोनों तरफ के जो है सीट्स आ गई। हम इन पे भी टेपिंग जो है वो करेंगे। ये लीजिए, हमने इस पे भी टेपिंग कर दी है और सेम प्रोसेस से हम इसको भी ठीक है। इसको हमने अभी स्टेपल करना है सेम वही प्रोसेस से। ये ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये अभी हो गई है। अभी हम इसको बाउंड्री जो है वो सील करेंगे। हम इसको पूरे टेप लगाया हमने और टेप से इसको सील कर दिया कंप्लीटली। ये जो हमारा मोल्ड है ये रेडी है, ये देखिए कंप्लीट। तो इस प्रोसेस से आप कोई भी साइज का जो मोल्ड है वो बना सकते हैं। इसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा।